नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपकी पूनम आपके साथ बहुत ही अमेजिंग किचन टिप शेयर करेगी और ये टिप का इस्तेमाल करके आप अपने बहुत सारे काम इजीली निपटाने के साथ साथ बहुत सारी चीजें परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करते हैं और ये टिप है हमारी कैंडल को लेके। कई बार लाइट चली जाती है और हम ना चाहते हुए भी कैंडल का इस्तेमाल करते हैं और उस टाइम पे अगर लाइट एक दो घंटा नहीं आई तो कैंडल का पूरा डब्बा खत्म हो जाता है क्योंकि ये कैंडल बहुत जल्दी मेल्ट होती है। तो चलिए आज हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कैंडल की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब भी आप कैंडल जलाएं, कैंडल जलाने से पहले आपको कैंडल को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद ही आप इस कैंडल को निकालें, फिर कैंडल को आप जला सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि कैंडल पहले के मुकाबले दोगुना चलेगी क्योंकि कैंडल ठंडी हो जाएगी तो जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। तो ये छोटी सी टिप है, अपनाइएगा जरूर। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। चलिए फटाफट से हम रसमलाई की रेसिपी भी देख लेते हैं और ये केवल आप एक मिनट में समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो हमको रसमलाई घर में कैसे बनानी है और किस चीज की बनानी है, तो चलिए इस रसमलाई के लिए ना ही मावा चाहिए, ना मिल्क पाउडर, ना घी, ना बटर। तो फिर बनाएंगे किस चीज की, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ले लिया है सूजी। आपके पास पतली या मोटी वाली जो भी सूजी हो ना, आपको सूजी लेना है आधा कप और ये वेट में 100 ग्राम है। अब हमने गैस की फ्लेम ऑन करी और गैस में एक कढ़ाई रख दी। एक चम्मच घी डाल के थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और इसी में डाल देंगे सूजी। फ्लेम को लो कर देंगे और 5 मिनट तक लो फ्लेम में सूजी को सेक लेंगे, जिससे क्या होगा सूजी का कच्चापन निकल जाएगा। लेकिन सूजी पूरी तरह से हमको सेकनी नहीं, बस केवल 5 मिनट तक लो फ्लेम में सेकनी है। 5 मिनट हो गए। हमने आधा कप सूजी ली थी तो मैंने 1.5 कप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए, दूध डालने के बाद हम एक हाथ से सूजी और दूध को कंटिन्यू मिक्स करते जा रहे हैं और दूसरी हाथ से हमने 4 हरी इलायची कूट के डाल दी। इसी के साथ 50 ग्राम चीनी का बूरा बना लिया और वो भी डाल दिया। अब हमको ये गाढ़ा डो चाहिए तो हम इसी तरह कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लिया है और 4 मिनट के अंदर अंदर ये देखे सूजी का एक परफेक्ट डो बन के तैयार हो गया। जब कढ़ाई में डो चिपकना छोड़ दे तब आपको इस तरह दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेना है। चलिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। वही कढ़ाई वापस रख दी गैस में और यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर अमूल का फुल क्रीम भैंस का दूध। और ये देखिए, दूध को हमने गर्म होने रख दिया। इसमें हम डालेंगे 10-15 धागे केसर के, जिससे कि दूध का बहुत अच्छा कलर आएगा। और दूध को 1 गिलास कम होने तक हम पकने देते हैं। तो कंटिन्यू में दूध चला रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगाया और डो को अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे कि हम रसमलाई बनाएं तो ये फटे नहीं, क्रैक ना हो। तो ये देखिए, मैंने डो को अच्छे से मसल लिया। वापिस घी थोड़ा सा हाथ में लगाने के बाद इस तरह एक छोटा सा पेड़ा लेंगे और इस तरह से चपटा कर लेंगे, जिस तरह मार्केट में रसमलाई का शेप होता है ना, बस हमको उसी तरह ये सारे पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पेड़े में क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर इनमें क्रैक होगा ना तो फिर ये सारी रसमलाई फट जाएगी। ये देखिए, हमने पेड़े बना लिए। दूसरी तरफ हमारा दूध अच्छे से उबल गया और 1 गिलास दूध कम हो गया है। तो हमने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम चीनी। चीनी को मैंने पीस लिया, बूरा बन गई। इसी के साथ मैंने इस दूध में डाला, चीनी घोल दी, 1 मिनट तक पकाया। अब हमने ये सारे पेड़े दूध में डाल दिए। फ्लेम को फुली रखेंगे और बॉयल आते रहना चाहिए, तभी आप ये पेड़े डालें, नहीं तो फट जाएंगे। और पेड़े डालने के बाद हमने इसमें कुछ कटे हुए बादाम, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाली, फ्लेम को मीडियम कर दिया और ये देखिए सारे पेड़े फूल के कढ़ाई के ऊपर आ गए हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है, अब हमको गैस बंद करना है क्योंकि हमारी रसमलाई पक चुकी है। हमने टोटल 5 मिनट तक पेड़े डालने के बाद रसमलाई को पकाया और इसको बिहार में सूजी का मीठा पीठा भी बोलते हैं। और इसको आप रसमलाई से भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट वैसा ही होता है। तो ये देखिए, बिना किसी तामझाम के हमने इंस्टेंट रसमलाई बना के तैयार कर ली हो करती हूँ। ये डिश बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगी, बनाइएगा जरूर। अब चलते हैं अपनी अगली टिप के साथ और ये टिप है हमारी कॉफी को लेके। हम सबके घर में कॉफी का डब्बा होता है, कॉफी पीना सबको पसंद ही होता है। बच्चे तो स्पेशली कॉफी के दीवाने होते हैं, लेकिन कई बार हमारी गलती से ये कॉफी जम जाती है। अब आप सोचेंगे गलती क्या करते हैं पूनम, हम तो परफेक्ट इस डब्बे का कैप लगा के रखते हैं। तो ये देखिए, मेरी कॉफी कभी भी नहीं जमती, इसी तरह की खत्म होने तक रहती है। उसका एक ही रीजन है कि मैं इसके साथ ऐसा क्या करती हूँ, आप भी आज से वही करिएगा। ये जो कॉफी होती है इसके ऊपर इस तरह का कैप होता है और कैप जब आप निकालेंगे ना तो आप देखेंगे कि इस कैप के अंदर इस तरह का एक व्हाइट कलर का मोटा सा कागज लगा रहता है। कई लोग क्या करते हैं, इस कागज को निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन इस कागज को आपको निकाल के नहीं फेंकना, ये एयर अंदर जाने से रोकता है। और अगर ये लगा रहेगा तो आपकी भी कॉफी कभी भी खराब नहीं होगी। तो अगली बार से आप इस कागज को कभी भी निकाल के ना फेंके। ये छोटी सी टिप आपकी बहुत महंगी सी कॉफी बचा के रखेगी और आप हमेशा इसको इसी तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। होप करती हूँ छोटी सी टिप आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो और पसंद आई हो।
चलते हैं अगली टिप के साथ। और ये टिप है हमारी विक्स को लेके। मैंने पहले भी बताया था कि विक्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, विक्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो स्पेशली आज आपको एक टिप बताऊंगी जो सच में आपको बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगी। कई बार हम लोगों के ओंठ इतने गंदे तरीके से फट जाते हैं कि किसी भी चीज़ से सही नहीं होते, समझ ही नहीं आता हम ओंठों में क्या लगाएं तो इंस्टेंट हमारे ओंठ सही हो जाएं। और बहुत सारे लोगों के तो ओंठ फटते भी बहुत हैं, तो उनको क्या करना है, रात में इस तरह से विक्स अपने ओंठों में लगा के सो जाना है। रात में जब आप विक्स लगाएंगे उसके बाद आपको अपने ओंठों में पानी नहीं लगाना, और मॉर्निंग में जब आप हाथ मुंह धोएंगे उस टाइम पे अपने हाथों से हल्के से ओंठों को रब करें, देखेंगे पूरी पपड़ी खत्म हो जाएगी, ओंठ बहुत ही सॉफ्ट निकलेंगे और ओंठ फटने बंद हो जाएंगे। अगर ज़्यादा फट रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन इस तरह विक्स लगा लिया करें। छोटी सी टिप है, होप करती हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ। और ये टिप है हमारी स्पेशली ब्यूटी टिप, और ये टिप आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही यूजफुल टिप है, तो देखिएगा ज़रूर। अच्छा आप ये बताइए, बहुत सारे लोगों के ओंठों में इस तरह की लिपस्टिक लगी रहती है कि आपका मन करता होगा कि जाके पूछ के आए कि आपने कौन सी कंपनी की, कौन से ब्रांड की लिपस्टिक वेयर करके रखी है जो ये छूट नहीं रही। क्योंकि हम तो भैया कितनी भी महंगी लगा लें, अगर पानी भी पीते हैं तो ग्लास में लग जाती है, खाना खाते हैं तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, खाने पीने से डर लगता है, लिपस्टिक लगाने के बाद तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं, वही टिप आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, मैंने पहले तरीके से हाथ में 3 सेट वेयर कर लिए, और इसी तरह हम अपने ओंठों में भी लगाते हैं, जिससे क्या होता है किसी चीज़ को टच करते ही लिपस्टिक पूरी तरह से छूट जाती है और इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। लेकिन हम आज दूसरा तरीका अपनाएंगे, जिससे आप अगर 10 रुपए की भी लिपस्टिक लगाने वाले हैं ना, तब भी वो 2 दिन तक आराम से स्टे करेगी। बस उस तरीके को आप देख लीजिए। देखिए, हमने ले लिया है घर पे रखा हुआ फाउंडेशन, आप किसी भी ब्रांड का फाउंडेशन ले सकते हैं, और इस तरह एक ड्रॉप लेनी है अपने ओंठों में, इस तरह से मिक्स करना है। जब हम अपने फेस पे मेकअप करते हैं ना, उसी टाइम आप अपने ओंठों पे ये फाउंडेशन लगा लें, और ये देखिए फिर थोड़ा सा सूखने के बाद आप जो भी शेड लिपस्टिक का वेयर करना चाहते हैं अपने ओंठों पे इस तरह से लगा दें। बस 5 मिनट तक आपको अपने ओंठों को सुखा लेना है। आप चाहे लिक्विड वाली लगाएं, मैट वाली लगाएं, या फिर बहुत महंगी या फिर एकदम से लो कॉस्ट की लिपस्टिक वेयर करें, सारी एक ही तरह से वर्क करने वाली हैं। देखिए, मैंने 5 मिनट तक सूखने दिया। अब देखिए, मैंने तो पहले लगाई थी तो इसको अच्छे से सूख जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये वही हाल हुआ जो हमारे ओंठों का होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे लगाने का तरीका अलग था। अब हम यहाँ पे कितना भी हाथ को घुमा लें, केवल 5% ही लिपस्टिक फेड होगी, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला। ये देखिए, लेकिन इधर तो बहुत ही भाई बुरा हाल हो गया है। तो बस अगर आपको इन दोनों में से जो भी तरीका बेस्ट लगा हो वही अपनाइए। मैं तो अधिकतर ये बाद वाला तरीका अपनाती हूँ, जिससे लंबे टाइम तक मेरे ओंठ अच्छे रहते हैं और मुझे बार बार टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी सी टिप है, अपनाइएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। चलिए एक छोटी सी टिप और देख लेते हैं। ये टिप है हमारी टिशू को लेके। हम अपने घर में जब भी टिशू पेपर रखते हैं, और स्पेशली जब गेस्ट आते हैं उस टाइम तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो लोग एक टिशू निकालते हैं उसके साथ 4 तो अपने आप ही निकल जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी टिप अपनाएंगे जिससे सारे टिशू पेपर अलग अलग दिखाई देंगे और टिशू लेने में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और ना ही बच्चे एक की जगह 2 टिशू पेपर निकाल के बर्बाद करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक इस तरह की प्लेट लेनी है, सबसे नीचे वाले टिश्यू को इस तरह से हाथ से दबा लें और इस प्लेट को इस तरह से तेजी से घुमा दें, इस तरह। तो देखिए फ्लावर जैसा शेप बन जाएगा, जिससे क्या होगा सारे टिश्यू पेपर अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट शेप बना है। अब हमको इसी तरह से टिश्यू लेने हैं और ये देखिए प्लेट में रख देने हैं। अब ये टिशू देखने में तो सुंदर लग ही रहे हैं, साथ ही साथ जब आप इस टिशू को लेंगे ना, तो एक बार में एक ही निकलेगा, 2-4 ऐसे एक साथ निकलने वाले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सारे अलग अलग हो चुके हैं। तो ये छोटी सी टिप है, हमेशा आप यूज करिएगा, बहुत ही यूजफुल टिप है। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। और चलिए चलते हैं अपनी लास्ट टिप और प्यार भरी टिप के साथ। ये टिप हमारी बहुत स्पेशल है। देखिए, हमने गैस की फ्लेम ऑन करी और इसमें रख दिया एक तवा, तवा गर्म हो गया है, तवा से हीट निकल रही है। तो अब हमको लेना है चीनी। हम ये चीनी हमेशा अपने चाय में इस्तेमाल करते हैं घर में, कई बार हम चीनी की कोई भी डिश बनाते ना तो यही चीनी यूज करते हैं, तो नॉर्मली वही चीनी लेनी है। अब हमको इस तरह थोड़ा थोड़ा चीनी तवा में फैला देना है, तो टोटल आपको 1 चम्मच ही चीनी का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 बार में थोड़ी थोड़ी करके इस तरह तवा में चीनी डाल दी। फ्लेम को हम फुल कर देंगे और ये चीनी मेल्ट होने देंगे। आप यहाँ पे रोटी बनाने के बाद जब तवा गर्म रहता है ना, तो ये टिप उस टाइम पे आजमा सकते हैं।
और इस टिप को वैसे तो आप रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार जरूर यूज किया करें। जिससे क्या होगा, घर में होने वाले छोटी छोटी बात पे झगड़े, अगर हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव रहता है और घर में कोई भी कलह जैसी प्रॉब्लम है तो सब खत्म हो जाती है। ये चीनी इतनी मिठास घर में ला देगी कि सच में आश्चर्यचकित आपको रिजल्ट मिलेंगे। होप करती हूँ सारी टिप्स